यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? तो अभी बज रहे रात के 10 और आज तारीख है 14 मार्च और आज सैटरडे है, 10 बज रहे हैं। तो अभी तो हम कहीं जा नहीं रहे, वैसे तो घर पे ही हैं, लेकिन हमने एक घंटे पहले थोड़ी सी करी है शॉपिंग, तो वो मैं आज दिखाने वाला हूँ कि मैंने क्या लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो तो मुझे इसके साथ फ्री मिला है, तो ये जो मेरे को फ्री मिला है अभी ये क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सब्र रखो यार, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ अंदर से, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और ये रही वो चीज़ आने वाली है, न्यू GoPro Hero 7 ब्लैक, देख सकते हो आप। तो ये रहा हमारा न्यू कैमरा जो मोटो ब्लॉगिंग को हाई लेवल पे पहुंचा देगा। भाई तुम्हारा भाई हाई लेवल पे मोटो ब्लॉगिंग करेगा अब, GoPro 7 ब्लैक। ओ माय गॉड, सही में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये जो मैंने लिया है तो उसका क्रेडिट जाता है, पूरा क्रेडिट उसका जाता है मेरे मम्मी और मेरे पापा को, जो जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया। और उसके बाद जो नंबर आता है क्रेडिट के वो है आप लोग, जो भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हो अभी, तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और ऐसे ही ये GoPro है जो उससे हम अभी व्लॉगिंग भी करेंगे, मोटो व्लॉगिंग करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम कैमरा भी ले लेंगे। बस आपका प्यार अब दिखाते रहिए बस। अभी हम इसकी करेंगे हम अनबॉक्सिंग, और दिल से शुक्रिया मम्मी और पापा को, उन्होंने मेरे को ये जो गिफ्ट दिया। ये से मैं लिया तो मैंने ही है, लेकिन गिफ्ट बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने ले दिया मेरे को, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तू लेके आ, तो उनकी तरफ से गिफ्ट ही बोल सकते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे तो परचेस मैंने ही किया है, ऐसा नहीं मैं भाई घर पे था और पापा लेके आ गए ले भाई GoPro, ऐसा नहीं, परचेस मैंने किया। लेकिन सही में यार मेरा दिल बहुत ज़्यादा अभी अंदर से रो रहा है, खुशी के मार खुश इतना हूं, क्या बताऊं। अभी हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। मैंने ये जो हमको मेरे को ये फ्री किट मिला है वो तो मैंने उधर ही ओपन कर लिया था, क्योंकि मेरे को चेक करना था इसके अंदर है क्या और क्या कुछ है। और ये मैंने अभी नहीं किया ओपन GoPro, जो मैं अभी ओपन करूँगा। तो अभी मेरा ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है सही में बताऊँ, तो मैं अभी ऐसे ही थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी अनबॉक्सिंग होंगी वो देख लेना। तो चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले तो इसको रखते हैं साइड में, और ये जो है बॉक्स उसको ओपन कर लेते हैं। खुल जा। इसके अंदर हमको एक्सेसरी जो फ्री मिली है ये GoPro के साथ, क्योंकि ऑफर था, मैंने ये क्रोमा में से लिया है, क्रोमा गांधीधाम क्रोमा शोरूम, तो यहाँ पे ये सब जो है मेरे को फ्री मिला है GoPro की तरफ से, क्रोमा की जो यहाँ पे था ऑफर थी। तो ये कि मेरे को स्टैंड फ्री मिला है, ठीक है, इससे हम व्लॉगिंग कर सकते हैं ऐसे ऐसे पकड़ के। और दूसरा क्या है उस सेक्शन में अपने को ये माउंट है GoPro का, देख सकते हो आप, जो हम सीधा ऐसे ही चिप बना के भी लगा सकते हैं इसको, चिप जैसा भी। ये देखो आप, ये देखो यहाँ से खुलेगा ये, अरे क्या दिख रहा है कैमरे में, हाँ ये ऐसा पूरा दम लगा के खोल के चिप की तरह हम यूज़ कर सकते, और ऐसे भी चिपका सकते हैं हम। तो ये माउंट है जिसके लिए ये हमको स्क्रू भी मिला है। दूसरा ये माउंट है सिर के ऊपर लगाने का, मतलब कि जो साइकिलिंग करते हैं या जिसके जिनके हेलमेट में या अमाउंट नहीं हो सकता, वो स्विमिंग या बोल दो कुछ भी बोलो आप, रनिंग बोलो, तो उसके लिए ये काम आता है माउंट। और दूसरा ये क्या है, ये मेरे को लगता है ऐसे ही रखने के लिए होगा सॉफ्ट पाउच, और कुछ हमने अपने को बॉक्स में नहीं मिलता। तो ये सब हमको एक्सेसरीज मिली इसके साथ फ्री में, जो मेरे को ख़रीदनी नहीं पड़ी, जो अच्छी बात है। ये भाई चला जा तू अंदर, ये भाई तू इधर चला जा, इसको हम रखते एक बारी के लिए साइड में। और ये रहा हमारा GoPro Hero 7 ब्लैक, देख सकते हो आप, तो इसको हम आराम से इस पन्नी, अरे पन्नी टूट जा। जो ये फील है ना नए बॉक्स को तोड़ने की, जो पन्नी की आवाज़ है ना, क्या मैं बताऊँ आपको, सही में न्यू GoPro। तो अपने को ये क्या मिलता है, 1 ईयर वारंटी कार्ड मिल जाता है, जबकि इसकी मैंने 2 साल की वारंटी है, एक इसके साथ मिलती है और एक मैंने एक्स्ट्रा 1 साल की वारंटी करवा ली है इसकी, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो ये सब इसमें मेंशन है साइड में, 12 मेगापिक्सल इसका कैमरा है, 4K 16 1080p 240p ये शूट कर सकता है, 10 मीटर अंदर 33 फीट के अंदर वाटरप्रूफ भी है,
वॉइस कंट्रोल है इसके अंदर, टच स्क्रीन है, एटैक स्लो मोशन है और जीपीएस सिस्टम भी है, एचडीआर है और हाइपर स्मूथ जो है, ये सही बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा फीचर, हाइपर स्मूथ, और लाइव स्ट्रीम भी हम इधर से ही कर सकते हैं। और पीछे कुछ ऐसा सब लिखा है GoPro ऐप के बारे में और ये सब इसके अंदर आएगा, तो हम इसको करते हैं ओपन। भाई ये कहाँ से ओपन होगा भाई, मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा नीचे से ही खोलेंगे यार, ये एक हाथ से कैमरा अगर ट्राइपॉड होता तो अच्छा रह जाता, लेकिन रुको मैं साइड में कुछ जुगाड़ करता हूँ। तो अभी थोड़ा फेस ब्लैक हो है बैकग्राउंड के लिए, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये जुगाड़ है क्योंकि ट्राइपॉड अभी मेरे को मेरा ढूंढना पड़ेगा, मिल नहीं रहा है साला। वैसे अब हम ब्लॉगिंग इससे करेंगे GoPro से, मोटो ब्लॉगिंग भी और ऐसे ब्लॉगिंग भी, तो ये जो फील है, हाँ हाँ नई नई वस्तु का, नई नई चीज का, ओ माय गॉड। तो ये रहा हमारा GoPro, रो 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 रो, अरे वाह 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 वाह, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, चल 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 चल। तो ऐसे कुछ चीज को खोलना पड़ता है, अरे भाई क्या हुआ इतना, अच्छा हम पीछे से निकल भी सकते हैं लेकिन मेरे को खोल के निकलना। अच्छा वैसा ये सब था इसके अंदर, GoPro 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 अपना GoPro आ गया। तो ये इसका स्टैंड है शायद तक, हाँ ये स्टैंड है, यहाँ पे लिखा है कैसे निकालते हैं, मैंने तो निकाल दिया, लेकिन इसको दबा के फिर करने का, ये पूजा को निकल दिया, निकल गया। तो ये स्टैंड है इसका, यहाँ पे हम इसको ऐसे रख के शूट भी कर सकते हैं, और ये है इसके साथ GoPro, ये जो फीलिंग है ना सही में, क्या मैं बताऊं आपको कैसे मैं शेयर करूं अपने एक्सप्रेशन। तो हमको कुछ इसमें, एक तो सबसे पहले जो माय फेवरेट स्टिकर मिल चुका है अपने को GoPro का ऑफिशियली, और हेल्प नीडेड, चाइना बैना में हेल्प लिखा है, लेकिन हेल्प किसको मांगता है यार, हेल्प किसको मांगता है। और इसकी इतनी मोटी यूजर गाइड भी है, लेकिन वो कौन पढ़ता है, ये क्यों देते हैं वैसे, सबको मालूम होता कैसे यूज कर। ओ इसके अंदर अपने को मिल जाता है एक और दो, ये दो माउंट ऐसे थोड़े, ये दोनों अलग अलग है, थोड़े से डिफरेंस है दोनों में, और हमने को एक मिल जाती है चार्जिंग केबल, जो आई थिंक सो हाँ जो सी टाइप है GoPro की ब्रांडिंग के साथ अपने को सी टाइप चार्जिंग केबल मिल जाती है, और अपने को मिल जाती है एक रिचार्जेबल बैटरी GoPro की तरफ से। और कितना mAh है इसके अंदर पावर, कहाँ लिखा है। तो यहाँ पे मेरे को बधाइयाँ आ रही हैं फ़ोन पे। तो अभी मैंने इसमें बैटरी डाल दी है, आप देख सकते हो अभी कैप ये खुला है जो बंद नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों उल्टी डाली क्या, पता नहीं क्या है। और हम इसका हम स्टिकर है जो यहाँ पे टर्टल है, जो वहाँ पे स्क्रैच नहीं होना चाहिए भाई, ऐसे निकालना है। मेरे इतने बड़े नाखून है फिर भी नहीं निकल रहे, निकला निकला निकला, ये टर्टल का स्टिकर निकल चुका है वैसे। और ये रहा अपना GoPro Pro Pro। अभी हम इसको, मेरे को लगता है इसमें बैटरी नहीं है शायद तक, यहाँ भाई इसकी बैटरी कैसे चार्ज होगी। अच्छा यहाँ पे हम बात करते हैं अभी GoPro की। तो ये रहा GoPro, यहाँ पे दो स्क्रीन है, एक आगे स्क्रीन है, आगे आप देख पा रहे हो अभी 1080 60 fps पे ये मैंने रखा है, 004 पता नहीं क्या है, लेकिन मेमोरी कार्ड का दिखा रहा है, बैटरी भी दिखा रहा है ठीक है। और यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे ये फुल टच डिस्प्ले है, वो आपको भी दिखाता हूँ, और साइड में ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, और यहाँ से हम मोड भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, और ऐसे ये वॉइस कंट्रोल भी है। और यहाँ पे इसको ऐसे दबा के ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है सी टाइप, और दूसरा ये पॉइंट पता नहीं किसका है ये वाला पॉइंट, और ये इजीली निकल भी जाता है, इसको कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा खींचो
ये भी ये मेरे यार एक हाथ में फ़ोन है, तो एक सेकेंड हाँ मैं फ़ोन को रख देता हूँ अभी दो मिनट के लिए। तो फ़ोन को मैंने अभी इधर रख लिया है, और ये जो है ये हमको राइडिंग पे दिक्कत कर सकता है, क्योंकि ऐसे रहेगा तो कैश तो आएगा नहीं, GoPro कैश के अंदर नहीं जाएगा, और ये अगर ओपन नहीं होगा तो यहाँ पे माइक कैसे लगेगा। तो इसको इजीली इसको ना ऐसे ही इसको निकाल लो, खींच लो, बस इजीली निकल जाता है और इजीली वापस चला जाता है। इसको अंदर ऐसे डाल दो तो इजीली चला भी जाता है, तो कुछ नहीं है इसमें, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे हमको बैटरी मिल जाती है, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे बैटरी के साथ में मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, अभी देख सकते हो आप, तो बैटरी साथ में हमको मिल जाती है। इसकी बैटरी 1335 mAh कुछ इस तरह से इसकी बैटरी है, और बैटरी इसकी ठीक ठाक चल जाती है, तो अच्छा है ऐसा बोल सकते हो, बैटरी ख़राब नहीं है। और दूसरा तो ये इसकी स्क्रीन, आपको मैं अभी नज़दीक से दिखाता हूँ। तो ये स्क्रीन है इसकी, फुल टच डिस्प्ले है, और यहाँ पे हमको तीन LED मिलती है, कि यहाँ पे मिलती है रेड, दूसरी आगे की साइड मिलती है हमको यहाँ पे कॉर्नर पे रेड LED, और तीसरी यहाँ पे नीचे की साइड ये रही, यहाँ पे रेड LED, तीन LED हमको मिलती है। और ये भाई क्या हो गया, कैंसल। हम ऊपर से नीचे करेंगे तो हमको ये इतने चार मोड मिल जाते हैं, लॉक का, ये पता नहीं किसका है, मैंने यूज़ नहीं किया। ये भी यहाँ पे शायद ये वॉल्यूम का है, बीप का है, और ये वाला मोड एक सेकंड फोकस कर ले, वॉइस कंट्रोल का है, आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे हम दबाएंगे जब, तो यहाँ पे सब हम कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कनेक्शन, जनरल, वॉइस कंट्रोल, टच डिस्प्ले, फिर यहाँ पे इनपुट आउटपुट, रजिस्टर, रिस्टार्ट, जो भी आप बोलो वो सब यहाँ पे मिल जाता है। फिर यहाँ से हम ऊपर की साइड करेंगे तो ये हवा पीस आ गई, और ऊपर करेंगे तो यहाँ पे ये जो लास्ट शूट किया होगा वो आ जाएगा इसका, और जितना भी शूट किया होगा सब कुछ आ जाएंगे ये इस तरह से। और हम अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ फोटो मोड, ये वीडियो मोड, और ये टाइम लैप्स, तो कुछ ऐसा है ये डिस्प्ले, टच डिस्प्ले। और ये मैंने अभी सुपर व्यू रखा है इसलिए जूम नहीं हो पा रहा है, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जाओ, और ये लो लाइट का ऑटो रखा हुआ है, तो ये सेटिंग मैंने अभी रखी हुई है, यहाँ पे हम सेटिंग चेंज कर सकते हो, FPS और सब कुछ चेंज कर सकते हो, 4K में शूट कर सकते हो, हाइपर स्मूथ मोड भी है इसमें, हाइपर स्मूथ जो बहुत अच्छा मोड है। हम इसको रखते हैं वाइड एंगल पे, वाइड पे वाइड एंगल पे रख दिया हम इसको। अब बैक करेंगे तो देखो अब जूम हो पा रहा है, तो ये जूम कुछ इस तरह से जूम होगा इसका, जूम आउट, और सुपर व्यू मोड में वैसे यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो सुपर व्यू मोड में बहुत ही कवर कर लेता है ये, बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है। तो ये था मेरे नए GoPro का वीडियो, तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, नया आए सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, और प्यारे प्यारे कमेंट भी करें। तो सब लोग मेरे को पूछ रहे थे भाई DSG फूड का क्या हुआ, दूसरी चैनल है जो मेरा फूड चैनल है, तो अभी सबको पता है इंडिया में क्या चल रहा है, तो जो इंडिया में भी चल रहा है, जो भी ये वायरस है इंडिया में, इसकी वजह से मैं बाहर का खाना अवॉइड कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़े दिनों में उस पर भी वीडियो आ जाएंगे। और अभी भी मैंने दूसरा एक कवर भी मंगाया जो मेरे को अभी भी पार्सल अभी भी मेरे को मिला, उसका मैंने वीडियो बनाया, लेकिन वो एडिटिंग में साला कुछ मेरे को गड़बड़ लग रहा है, एडिटिंग में पूरा वीडियो ख़राब हो गया, तो आपको मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। तो वो ये कवर है, ये केस है GoPro के लिए, यहाँ पे माइक एडाप्टर चला जाता है GoPro का, तो ये बहुत अच्छा है। और ये देखो आप, यहाँ बाहर तक निकला हुआ है ये केस जो GoPro के लेंस को प्रोटेक्ट करता है, और यहाँ पे स्लाइड करोगे तो ये निकल जाएगा, फिर अंदर चला जाएगा, तो कुछ ऐसा केस है। और ये है GoPro का पुराना केस जो देख पा रहे हो आप, गिरे तो सीधा लेंस ही गिरे, और ये प्रोटेक्ट कर लेता है लेंस को। यहाँ पे ऊपर माइक भी आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे एडाप्टर भी कुछ इस तरह से, ये माइक, यहाँ पे एडाप्टर, और इसके साथ मेरे को स्टिकर्स भी मिले हैं, ये एक स्टिकर मिला है इसके साथ एक, और दूसरा इसकी ब्रांड का स्टिकर, दो स्टिकर्स भी मिले मेरे को इसके साथ। अगर आपको ये बाय करना रहेगा, आपके पास GoPro है, अगर GoPro के साथ आपको मोटो व्लॉगिंग या व्लॉगिंग करनी है, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको बाय करना रहेगा तो इसका लिंक मैं दे देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको ये व्लॉग अगर अच्छा लगा है तो बताना आपको क्या करना है। अभी मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।